ओम शांति। बाबा ने आकर हम सभी को सफलता मूर्त भव का वरदान दिया है। सोचें, जिन्हें परम सद्गुरु ने स्वयं वरदान दे दिया वही सफल नहीं होंगे तो भला सफल कौन होगा। भगवान के बच्चे ही यदि सफलता के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो भला कौन बढ़ेगा। तो सफलता हमारा वरदान है। रोज सवेरे उठते ही 7 बार याद कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मूर्त हूँ। और किसी भी इम्पोर्टेंट कार्य पर जाने से पहले या रोज अपने कार्यों पर जाने से पहले बाबा का हाथ सिर पर महसूस करते हुए ये दोनों स्वमान याद कर लें, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो सफलता में विश्वास करते हैं, जिन्हें अपने में संपूर्ण विश्वास होता है। सफलता उनके चारों ओर आगे पीछे घूमती है जो सफलता के लिए अथक प्रयास करते हैं। याद रखेंगे, जिनको पुरुषार्थ में सफलता है उन्हें हर कार्य में सफलता है। जो योग में सफल हैं सफलता उनके लिए दिव्य वरदान है। जो पवित्रता को धारण करने में सफल हैं चारों युग सफलता उनके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो हम संगम युग पर बाबा से सफलता मूर्त का वरदान ले लें। भगवान हमें कह रहा है, बच्चे सफलता मूर्त भव, सफलता तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वयं भगवान ने हमारे मस्तक पर तिलक लगाकर ये वरदान दे दिया है। हम इसे अपने अंतर मन की गहराई में उतार लें। इससे ही इस वरदान पर हमें संपूर्ण विश्वास रहेगा। परंतु जो लोग व्यर्थ में रहते हैं, जो ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलते हैं, जो परचिंतन में रहते हैं, जो अपने चित्त को शांत नहीं रख पाते, सफलता उनके पास होते भी दूर चली जाती है। लेकिन जिस मनुष्य ने अपनी मनोस्थिति को श्रेष्ठ बना लिया, सफलता के लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस संसार में भी 3 तरह के लोग देखे जा सकते हैं। एक वे जो सफलता के लिए कड़ी मेहनत करके सफल होते हैं, दूसरे वे जो मेहनत करने के बाद भी निराश होते हैं, और तीसरे वे जो सहज ही सफलता का स्वाद चखते हैं। मैं कौन? हमें सफलता को अपना वरदान बना लेना है। तो अपनी मन की शक्तियों को बढ़ा देना है। मन की शक्तियां ही हमारे जीवन में हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती हैं। ये बात सभी को याद रखनी है। तो अपनी सफलता में संपूर्ण विश्वास। और मान लो कभी आप असफल हो भी जाएं, तो निराशा को अपने मन मंदिर में प्रवेश न करने दें, क्योंकि आज असफलता है तो कल सफलता अवश्य होगी। अपनी सफलता में संपूर्ण विश्वास। असफल हो गए तो उसके कारणों को गहराई से नोट कर लें और उन्हें दूर कर दें, तो ऐसी मेहनत करने से स्वयं बाबा भी हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और हमें सफलता का वरदान पुनः पुनः दे देते हैं। तो आइए आज सारा दिन हम इस वरदान की स्मृति में रहें कि मुझे तो भगवान से, परम सद्गुरु से सफलता मूर्त भव का वरदान मिल गया है। ये वरदान मेरे पास है, जहाँ भी मेरे कदम चलेंगे ये वरदान मेरे साथ होगा। मुझे सफलता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है। और योग का अभ्यास भी साथ साथ करेंगे कि मैं आत्मा परम धाम में,
सर्वशक्तिवान के साथ हूँ। विजुअलाइज करेंगे बाबा को और स्वयं को वहां, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दें हमें बाबा, और फील करें बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं, उनसे निरंतर मुझे सफलता के लिए शक्तियां मिल रही हैं। ओम शांति।